Good morning, guys. Hope you are doing good. जल्दी से चेक कीजिएगा साउंड एंड वीडियो क्वालिटी. गुड मॉर्निंग ऑल, प्लीज रिप्लाई क्विकली. जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा. इज इट ऑल क्लियर? ओके, इज ऑल क्लियर फ्रेंड्स. सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स. जल्दी से ये बता दीजिएगा, होमवर्क कौन से क्वेश्चंस थे? जी टेल मी क्विकली, होमवर्क क्वेश्चन क्या आप सब लोगों ने होमवर्क किया? जी हाँ, आई गेस 27 and 30s में कुछ था. क्विकली टेल मी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट होमवर्क क्वेश्चन, देन विल प्रोसीड विद आवर रिमेनिंग क्वेश्चन. 27, 31, 32. ओके, थैंक यू वेरी मच. आएगा, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27. आई होप सब लोगों ने होमवर्क किया है. जी हाँ, क्या सब लोगों ने होमवर्क किया है? चलेगा. 27, 31, 32 वॉज फॉर होमवर्क. लेट्स फर्स्ट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 27, द क्वार्टरली प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी. चलिए, सबसे पहले तो आपने अंडरलाइन किया रहेगा, क्वार्टरली प्रोडक्शन दिया हुआ है. ओके, मैंने आपको पहले इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जब मंथली है, क्वार्टरली है, सिक्स मंथली है, तो अंडरलाइन करना है, वहां पे कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है. सो क्वार्टरली प्रोडक्शन ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट विच हैज अ स्टेडी मार्केट ऑफ 20,000 यूनिट. सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन, ये जो 20,000 है, ये रॉ मटेरियल है या फाइनल प्रोडक्ट है? तो जब आप प्रोडक्शन वर्ड यूज करते हो, जब आप सेल वर्ड यूज करते हो, तो वो आपका फाइनल प्रोडक्ट है. तो 20,000 इज अ फाइनल प्रोडक्ट डिमांड फॉर क्वार्टर. Each unit of the product require 0.5 kg of raw material. सबसे पहले तो आपने annual requirement find किया रहेगा, ठीक है ना मालिक? Annual requirement कैसे आया रहेगा आपका? 20,000 units आप quarterly produce करना चाहते हो, multiplied by 4, and एक unit of final product required 0.5 kg of raw material. तो आपका जो material का annual requirement है वो कितना आया? एक आंसर मुझे आ गया है, मुक्ता जी इन्होंने आंसर दे दिया, 40,000 का आपका एनुअल रिक्वायरमेंट है. राइट है, करेक्ट है, 40,000 इज अ करेक्ट आंसर, वेरी गुड. चलेगा, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं. द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर ऑफ द रॉ मटेरियल इज 100 rupees एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 2 rupees. ओके, सो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 100 एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आई गेस 2 rupees दे हैव गिवन, 2 rupees पर एनम. ओके, द लीड टाइम फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल इज 36 days. फिलहाल ये लीड टाइम को आपने इग्नोर किया, ये रीऑर्डर लेवल फाइंड करने में आपकी हेल्प करेगा, जो हमने अब तक डिस्कस नहीं किया है. ओके, चलेगा. सेफ्टी स्टॉक इज 1000, इग्नोर दैट सेफ्टी स्टॉक ऑल्सो. रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करते वक्त ये सेफ्टी स्टॉक लगेगा, जो अपना नेक्स्ट लेक्चर का डिस्कशन का पार्ट है. द कंपनी हैज बीन एबल टू निगोशिएट द फॉलोइंग डिस्काउंट स्ट्रक्चर विद द सप्लायर. ओके, सो अगर 6,000 rupees अप टू है तो डिस्काउंट कुछ भी नहीं आएगा. 6,000 to 1,000, 6,001 to 8,000, 400 rupees का डिस्काउंट है, एंड सो ऑन. वेरियस डिस्काउंट पॉलिसी दे हैव गिवन, डिस्काउंट इन रुपीज डायरेक्टली दे हैव गिवन, ठीक है. कैलकुलेट रीऑर्डर पॉइंट टेकिंग 30 days इन अ मंथ. आपने वो चार लाइन ब्लैंक रखा रहेगा, रीऑर्डर लेवल आपको पता नहीं, कैसे फाइंड करना है. ओके, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल आफ्टर कंसिडरिंग द डिस्काउंट. If the company elects to place 1, 2, 4 or 6 orders, आपको डायरेक्टली दे दिए, एक ऑर्डर प्लेस करना है, दो ऑर्डर, चार ऑर्डर, छह ऑर्डर प्लेस करना इन अ ईयर, स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर विच द कंपनी शुड प्लेस टू मिनिमाइज द कॉस्ट आफ्टर टेकिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन टू कंसिडरेशन. ओके, तो काफी सारे लोगों ने ईओ क्यू फाइंड किया है, मुझे समझ में आ रहा है, काफी सारे लोगों ने ईओ क्यू मुझे आंसर दे रहे हैं. अगर ईओ क्यू का आंसर आया आपका 2000, सबसे पहले तो वो फाइंड कर लेते हैं. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अंडर रूट ऑफ 2 इनटू एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज इक्वल टू 2 इनटू एनुअल रिक्वायरमेंट आया आपका 40,000 मल्टीप्लाइड बाय
ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपका 100 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट जो बन रहा है वो आपका आ रहा है 2 रुपीज। सो फाइनली आपका जो आंसर बन रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इट 2000। एवरीवन प्लीज चेक दैट, क्या ये आंसर 2000 है? क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2000 है? यस और नो? मुझे 4 लोगों ने आंसर दे दिया है, बाकी लोग जिन्होंने सॉल्व किया है ईओक्यू के आंसर दे दीजिएगा। जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट कीजिएगा, इज इट ईओक्यू 2000? ओके, सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो आपका बन रहा है वो बन रहा है 2000, चलेगा, वेरी गुड। फिर आपको कितना ऑर्डर प्लेस करना है? एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, चार ऑर्डर और छह ऑर्डर आपको प्लेस करना है इन अ ईयर, ठीक है? और ईओक्यू का एक सपोज कॉलम कंसिडर किया। सो एक ऑर्डर, दो ऑर्डर आपको प्लेस करना है, चार ऑर्डर आपको प्लेस करना है, सिक्स ऑर्डर्स आपको प्लेस करना है, और एक और कंसिडर कर रहा हूं मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। सबसे पहला लाइन जो रहता है अपने टेबल का, इफ यू रिमेंबर, सबसे पहला लाइन रहता है एनुअल रिक्वायरमेंट। हर एक कॉलम में आपने कंसिडर किया रहेगा एनुअल रिक्वायरमेंट 40,000, 40,000, 40,000, 40,000 एंड ऑल्सो लास्ट कॉलम में आया आपका 40,000, ठीक है ना? एनुअल रिक्वायरमेंट के बाद आएगा आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट लाइन ऑर्डर साइज, या फिर फ्रेंड्स आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑलरेडी 1, 2, 4, 6 आ गया, सिर्फ ईओक्यू में अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो सपोज ऑर्डर साइज, एक ही ऑर्डर प्लेस करना है तो 40,000, दो ऑर्डर प्लेस करना है तो 40,000 डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज आएगा आपका 20,000। फिर अगर आपको चार ऑर्डर प्लेस करें तो 40,000 डिवाइडेड बाय 4, 10,000 का आपका एक ऑर्डर आएगा, राइट फ्रेंड्स? ठीक है। एंड अगर आप सिक्स ऑर्डर्स प्लेस करते हो, ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा ना 40,000 डिवाइडेड बाय 6 आपका ऑर्डर साइज बताइएगा ना, 40,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना आता है? जल्दी से 40,000 डिवाइडेड बाय 6, और यहां पे आपका ईओ क्यू आ रहा है आई गेस 2000। जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं लिखूंगा, ठीक है? तो यहां पे आ गया आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ओके 6,666.67 सपोज आपका आंसर है, वेरी गुड, चलिएगा। इसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपने देखा, वन ऑर्डर, टू ऑर्डर, फोर ऑर्डर, सिक्स ऑर्डर एंड 20 ऑर्डर्स आपने कंसिडर किया, राइट है फ्रेंड्स? चलिएगा। इसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बाद आएगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक ऑर्डर बॉस प्लेस करना है, टू प्लेस वन ऑर्डर ऑर्डरिंग कॉस्ट दे हैव गिवन इन अ क्वेश्चन, कितना है ऑर्डरिंग कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 100 रुपीज, ठीक है? सो 100 रुपीज, 200 रुपीज, 400 रुपीज, 600 रुपीज एंड 2000 रुपीज का आपका आंसर आएगा, वेरी गुड, थैंक यू मुक्ता जी, आपका आंसर करेक्ट है, चलेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद मैं कंसिडर करो एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या था? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, सबसे पहले कॉलम में 40,000 था तो डिवाइडेड बाय 2 आपका आंसर आ गया 20,000, नेक्स्ट कॉलम में आएगा आपका 10,000, नेक्स्ट कॉलम में आपका आएगा 5,000, नेक्स्ट कॉलम में आएगा आपका 3,333.33 और लास्ट कॉलम में आएगा आपका 1,000, राइट फ्रेंड्स? चलेगा। इसके बाद जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद आपका आएगा जस्ट अ सेकेंड, लेट्स मी चेक। इसके बाद आएगा आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से आपने मल्टीप्लाई किया रहेगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो डायरेक्टली आपको दिया था 2 रुपीज आई गेस, जस्ट अ सेकेंड, कैरिंग कॉस्ट आया था आपका 2 रुपीज, सो आपने 2 रुपए से मल्टीप्लाई किया। सब लोग तब तक सोचिएगा जिन्होंने होमवर्क किया नहीं किया, और मुझे रिप्लाई कीजिएगा डिस्काउंट का क्या करना है। ठीक है, डिस्काउंट का क्या करना है, ये एक नया क्वेश्चन है, आपको सोचने के लिए होमवर्क दिया था, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में आई गेस परचेज प्राइस नहीं दिया है। क्वेश्चन में आई गेस परचेज प्राइस इन्होंने नहीं दिया हुआ है, अच्छा मुझे आंसर आ रहा है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट में से डिडक्ट करेंगे, ठीक है? एनी अदर आंसर? बाकी लोग आप ट्राई कीजिएगा,
आपको जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है परचेज प्राइस कितना है। जनरली हम लोग डिस्काउंट क्या करते हैं, परचेज प्राइस में से लेस करके नेट परचेज प्राइस लिखते हैं। ये क्वेश्चन में आपको परचेज प्राइस नहीं दिया था। कुछ लोगों को लगा सर इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। नहीं बॉस, इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। डिस्काउंट डायरेक्ट दिया है तो टोटल कॉस्ट में से सब्सट्रैक्ट होगा। ओके विधि जी, इन्होंने आंसर दे दिया है कि जो डिस्काउंट आपको दिया हुआ है वो डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है, पर यूनिट का या परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट नहीं दिया, डायरेक्टली एक टोटल फिगर दिया है डिस्काउंट का, तो टोटल कॉस्ट में से डिडक्ट कीजिएगा। ओके एनी अदर आंसर? ओके हर्षा जी, इन्होंने आंसर दिया है डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसका मतलब इन्होंने ये बोला है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल लीजिएगा, कैरिंग कॉस्ट का टोटल लीजिएगा। ओहो चला गया। ओके ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल लीजिएगा, कैरिंग कॉस्ट का टोटल लीजिएगा और उसमें से वो सब्सट्रैक्ट कीजिएगा। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर दे रहे हो आप सब लोग। ठीक है, वन ऑर्डर टू ऑर्डर। इसके बाद जस्ट अ सेकेंड सर, आई एम सॉरी, एब्रप्टली स्विच ऑफ हो गया था लैपटॉप। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कॉस्ट। वन ऑर्डर टू ऑर्डर फोर ऑर्डर सिक्स ऑर्डर, और आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड किया था। यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखा था सपोज नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना आया था, तो एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, चार ऑर्डर, छः ऑर्डर और 20 ऑर्डर। इसके बाद लिखा था मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट आया था 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 400 रुपीज़, 600 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़ का हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट आया था। इसके बाद आएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री सबसे पहले कॉलम में आया था आपका 20,000, सेकेंड कॉलम में आया था आपका 10,000, नहीं 20,000 के बाद कितना आया था, दो ऑर्डर प्लेस करना है यानी 20,000, तो 10,000 आएगा। चार ऑर्डर प्लेस करना है तो 5,000 आया था, और यहाँ पे आया था 3,333.33, और यहाँ पे आपका 1,000 आंसर आया था। ओके एवरेज इन्वेंट्री के बाद कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, सब केस में 2 रुपीज, 2 रुपीज, 2 रुपीज, 2 रुपीज, 2 रुपीज, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट रुपीज टर्म्स में आपको दिया हुआ है। राइट फ्रेंड्स, जो आपको कैरिंग कॉस्ट दिया था वो डायरेक्टली रुपीज टर्म्स में दिया, तो इट विल नॉट चेंज एज पर द डिस्काउंट। ओके सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल कैरिंग कॉस्ट। सबसे पहले कॉलम में आ गया मेरा 40,000, सेकंड कॉलम में आ गया मेरा 20,000, नेक्स्ट कॉलम में आ रहा है मेरा 10,000, नेक्स्ट कॉलम में आ रहा है मेरा 6,667, सपोज मैंने राउंड अप कर लिया, एंड नेक्स्ट कॉलम में आ रहा है आई गेस 1,000 है ना, ये एवरेज इन्वेंट्री इंटू टू, सो 2,000 मेरा आंसर आ गया। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद मैं ले रहा हूं टोटल ऑफ कॉस्ट। जनरली जब आपको डिस्काउंट दिया जाता है तो परचेस प्राइस हम लोग कंसिडर करते हैं नेट ऑफ डिस्काउंट, लेकिन क्वेश्चन में परचेस प्राइस ही नहीं दिया, डायरेक्टली डिस्काउंट का टोटल फिगर दिया है। बॉस डिस्काउंट क्या है, इनडायरेक्टली वो आपका इनकम ही है, वो आपकी सेविंग्स है, तो सर जी वो कॉस्ट में से लेस होएगा, तो जो जो कॉस्ट आपको दिया है उसमें से वो लेस होएगा। ओके तो सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा टोटल कॉस्ट कितना है, मुझे जल्दी से टोटल बताइएगा टोटल कॉस्ट कितना है। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ये रहा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये रहा आपका कैरिंग कॉस्ट। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है। पहले कॉलम में आ गया मेरा 40,100, इज इट करेक्ट और नॉट, जल्दी से आप रिप्लाई कीजिएगा, आंसर देते रहिएगा। 20,200 आ गया, नेक्स्ट आएगा आपका 10,400, नेक्स्ट आएगा आपका आएगी 7,267, इज इट सो। लास्ट कॉलम में कितना आएगा, आई गेस 4,000 आएगा। एज यू आर अवेयर दैट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आपका सेम आता है। एक बार प्लीज आप चेक कीजिएगा टोटल कॉस्ट करेक्ट है या गलत है। एवरीवन प्लीज चेक दैट टोटल कॉस्ट करेक्ट है या गलत है। इसके बाद इसमें से डिस्काउंट लेस करेंगे। जी हाँ, इसमें से डिस्काउंट लेस करेंगे। फ्रेंड्स, एक ऑर्डर आपने प्लेस किया था वो 40,000 का था, दो ऑर्डर प्लेस किया 20,000 का था, चार ऑर्डर प्लेस किया था आपने 10,000 का था। ओके छह ऑर्डर आपने प्लेस किया था 6,666.67 का था, और ईओक्यू में 2,000 था। राइट, 40,100, 20,200, 10,400, 7,267 एंड 4,000 करेक्ट आंसर है। चलिएगा अब ये सोच लेते हैं डिस्काउंट कहां पे मिलेगा। एवरीवन प्लीज चेक दैट डिस्काउंट कहां पे मिलेगा, ये हम लोग सोच लेते हैं। सबसे पहला जो ऑर्डर साइज है वो 40,000 है। अब 40,000 कौन से स्लैब में बैठता है वो चेक करते हैं। 40,000 लास्ट स्लैब में बैठा,
तो आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिल रहा है 4,000 रुपीज का, वो आपने लेस कर दिया, नेट कॉस्ट जो है वो नेट कॉस्ट आ रहा है आपका 36,100। यस और नो? चलिएगा, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो ऑर्डर साइज है वो 20,000 का ऑर्डर साइज है। 20,000 कौन से स्लैब में बैठता है वो चेक कर लेते हैं। 16,001 से लेके 30,000 तक के स्लैब में बैठता है, वहां पे आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 3,200 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, राइट फ्रेंड्स? तो जो आपका नेट कॉस्ट आ रहा है, जी हाँ, जो आपका नेट कॉस्ट आ रहा है वो नेट कॉस्ट कितना आएगा? इज इट 17,000 इज योर नेट कॉस्ट? जी हाँ। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट कॉलम कंसीडर कर रहा हूं, ऑर्डर साइज है मेरा 10,000। जी हाँ, अगर मेरा 10,000 ऑर्डर साइज है तो मैं कौन से स्लैब में बैठ रहा हूं? 8,000 से लेकर 16,000 वाले स्लैब में बैठा मैं, मुझे डिस्काउंट कितने का मिलेगा? 2,000 रुपीज का ही डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरा जो नेट कॉस्ट आएगा वो आएगा 8,400 आई गेस, ठीक है ना? इसके बाद मैं अगले स्लैब कंसीडर कर रहा हूं 6,666। ओके बॉस, मैं ये स्लैब में बैठ रहा हूं और मुझे 400 रुपए का ही डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, सो 6,867 मेरा नेट कॉस्ट है। ओके, वेरी गुड फ्रेंड्स, आंसर देते रहिएगा। और अगर मैं ईओक्यू फॉलो करता हूं तो ईओक्यू में मेरा जो ऑर्डर साइज है वो 2,000 है, और 2,000 के लिए ना 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 ना, ना. कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं मिल रहा है, बिकॉज अप टू 6,000 नो डिस्काउंट विल बी अलाउड। तो यहां पे मैंने लिख दिया डैश, तो मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो आया मेरा 4,000। का 2 times डिस्काउंट कैसे मिल सकता है? ये डिस्काउंट इन रुपीज है, ये फाइनल फिगर है, कहां पे लिखा हुआ है? पर ऑर्डर। ये टोटल डिस्काउंट है, दिस इज नॉट पर ऑर्डर, दिस इज नॉट पर ऑर्डर। यहां पे किधर भी नहीं लिखा है कि पर ऑर्डर है। डिस्काउंट पर ऑर्डर नहीं है तो मल्टीप्लाई वगैरह मत करना। अरे ये सोचने वाली बात थी, ये अगर आपने यहां पे मिस्टेक कर दिया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है, ये कुछ अलग हो गया है। एक मिनट में इसका लॉजिक भी आपको बता देता हूं, डोंट वरी एट ऑल मुक्ता जी, ऐसा क्यों नहीं है उसका लॉजिक मैं बता देता हूं। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, अगर बाकी किसी को भी ये डाउट रहेगा कि 3,200 × 2 करना है सर, 2,000 × 4 करना है सर, 4,000 × 6 करना है, अगर ये आपको भी डाउट है तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। अगर 3,200 × 2 करते हैं तो टोटल डिस्काउंट आ गया 6,400 सपोज, 2,000 × 4 कर दिया तो 8,000, यानी ऐसा पॉसिबल है क्या? आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इज इट पॉसिबल? ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि कम लॉट में परचेस करेंगे और आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा? कम लॉट में परचेस करेंगे और आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ऐसे पॉसिबल है क्या? सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी आपने कहां पे परचेस किया है? हाईएस्ट क्वांटिटी 40,000, तो वहां पे जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो इज इट पॉसिबल कि 40,000 पे डिस्काउंट, 40,000 क्वांटिटी में डिस्काउंट 4,000 है और 20,000 के क्वांटिटी में डिस्काउंट 6,400 है? इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल? अब आप मुझे बताइएगा, क्या आपने जो गलती की है वो समझ में आया क्या? एवरी वन ऑफ यू जिनको ये पॉइंट में डाउट था, क्या ये समझ में आया क्या? थोड़ा सा वहां पे लॉजिकली हमें सोचना था, थोड़ा सा वहां पे हमें लॉजिकली सोचना था। इज इट पॉसिबल कि मैं कम लॉट में परचेस कर रहा हूं और मुझे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आई होप मुक्ता जी ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है, राइट? और कोई किसी को डाउट है? ये लॉजिक तो समझा जो मैंने एक्सप्लेन किया, डाउट क्लियर हो गया सब लोगों का? रिप्लाई कीजिएगा हाँ या ना, ऐसे पॉसिबल नहीं है कम क्वांटिटी में ज्यादा डिस्काउंट, ठीक है? इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, वेरी गुड, चलिएगा,
तो डाउट क्लियर हो चुका है, गुड। सो लाइव क्लासेस का यही फायदा है फ्रेंड्स, आप इमीडिएटली डाउट पूछ सकते हो, डाउट आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने पीडी वगैरह ऑप्शन लिया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पीडी के साथ साथ, ठीक है, आप वो लाइव स्ट्रीमिंग का भी ऑप्शन लीजिएगा, जितना आपको पॉसिबल है आप लाइव में लेक्चर करते रहिएगा। सो लाइव में आपको रियल टाइम में डाउट सॉल्विंग का जो मजा है वो आएगा, आप आंसर्स दे सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं पीडी वाले स्टूडेंट का भी डाउट वगैरह जो है वो व्हाट्सएप पे क्लियर करता ही हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रियल टाइम होता है, इमीडिएटली आप कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो जिन जिन लोगों ने पीडी किया है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, गाइड करूंगा कि आप वो लाइव स्ट्रीमिंग का भी ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिएगा जो ओपन हो चुका है, राइट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तो पढ़ते हैं क्या है, आपने चार लाइन छोड़ा रहेगा, लेट सी। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल आफ्टर कंसिडरिंग द डिस्काउंट इफ द कंपनी इलेक्ट टू प्लेस 1 to 4 ऑर्डर इन ईयर, ठीक है। हम लोगों ने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और डिस्काउंट हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था, स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर विच द कंपनी शुड प्लेस टू मिनिमाइज द कॉस्ट आफ्टर टेकिंग ईओक्यू इनटू कंसिडरेशन। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना प्लेस करना है फ्रेंड्स, जो लोएस्ट कॉस्ट आपका बन रहा है वो लोएस्ट कॉस्ट आ रहा है आपका 2000 ईओक्यू पे, तो आपने कितने ऑर्डर प्लेस करने चाहिए। तो आपने फाइनली आंसर लिखा रहेगा कंपनी शुड प्लेस 20 ऑर्डर्स, और ऑर्डर साइज कितना होना चाहिए, 2000 का आपका ऑर्डर साइज होना चाहिए। क्लियर है वॉश, अच्छे से आपने प्रेजेंट किया रहेगा जी। कंपनी शुड प्लेस 20 ऑर्डर्स, और आगे एक लाइन लिख देने का कंपनी शुड प्लेस 20 ऑर्डर्स ऑफ 2000 यूनिट्स, तो आपका जो ऑर्डर साइज है वो आ गया आपका 2000। आई होप एवरीवन गॉट दिस। तो नया क्या था ये क्वेश्चन में, वहां पे आप स्टार मार्क कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो ये क्वेश्चन में आपको नया क्या मिला, यहां पे आप थोड़ा स्टार मार्क कीजिएगा, नया मिला आपको यहां पे डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स आज का ज्ञान ऊपर मार्जिन में लिखिएगा, एवरीवन प्लीज राइट डाउन, आज का ज्ञान मार्जिन में लिखिएगा। आज का ज्ञान मार्जिन में लिखिएगा ऊपर, इफ परचेज प्राइस इज नॉट गिवन, इफ परचेज प्राइस इज नॉट गिवन, एंड टोटल डिस्काउंट इन रुपीज टर्म इज गिवन, एंड टोटल डिस्काउंट इन रुपीज टर्म इज गिवन, टोटल डिस्काउंट इन रुपीज टर्म्स इज गिवन, देन देन फर्स्ट टेक टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, फर्स्ट टेक टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, फर्स्ट टेक टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, देन देन डिडक्ट डिस्काउंट फिगर, डिडक्ट डिस्काउंट फिगर, देन डिडक्ट डिस्काउंट फिगर। चलेगा, अच्छा क्वेश्चन था, ये जो डिस्काउंट है उसको हाईलाइट कीजिएगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने ऊपर लिख दिया। तो वापिस आपने ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि जो क्रक्स था ये क्वेश्चन का, जो मेन पॉइंट था वो हमने देख लिया था, कि अगर डिस्काउंट रुपीज टर्म्स में है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल ले लीजिएगा, डिस्काउंट उसमें से लेस कीजिएगा। ये कब आता है, जनरली ये कब आता है, तो जब आपको परचेज प्राइस नहीं दिया है। अगर आपको परचेज प्राइस दिया है बॉस, तो डायरेक्टली जो डिस्काउंट का फिगर है वो परचेज प्राइस में से ही लेस होता है, सही है ना। तो अगर नहीं दिया है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कंपैरिजन करने के लिए। जैसे डिस्काउंट हम लोगों ने परचेज प्राइस में से लेस किया है, वैसे ही यहां पे हम लोग टोटल कॉस्ट में से लेस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, होमवर्क कुछ और मैंने दिया हुआ था जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 32 वाज फॉर होमवर्क आई गेस। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 32 वाज फॉर होमवर्क। कितने लोगों ने ये जो अभी का क्वेश्चन 27 था ये करेक्ट सॉल्व किया है, कितने लोगों ने ये डिस्काउंट का एडजस्टमेंट कर लिया था,
कितने लोगों ने करेक्ट सॉल्व किया है जल्दी बताइएगा। कितने लोगों ने ये करेक्ट कर लिया था, काइंडली रिप्लाई मी। तब तक मैं अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ टाइप ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। मंथली डिमांड इज 200, यूनिट प्राइस इज ₹20, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 20, स्टोरेज कॉस्ट इज 2%, इंटरेस्ट रेट इज 8%, लीड टाइम हाफ मंथ। फिलहाल इग्नोर कीजिएगा लीड टाइम क्या है। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर रॉ मटेरियल। वेरी गुड, जिन जिन लोगों ने करेक्ट किया शाबाश, बाकी लोग एटलीस्ट ट्राई करते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। गलत आया तो भी चलेगा, जो गलती हो रहा है वो एटलीस्ट हम लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में हम लोगों को चेक करना है, ईओक्यू फॉलो करना है। लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन नंबर 31। एनुअल रिक्वायरमेंट सबसे पहले फाइंड कर दिया, जैसे 200 मंथली डिमांड था, सो 200 मल्टीप्लाई बाय 12, 2400 आपका आंसर आ गया। इसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट था आपका ₹20। वेरी गुड, जिन जिन लोगों ने सॉल्व किया करेक्ट है, वेरी गुड। ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया आपका ₹20। इसके बाद कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो कितना बनेगा फ्रेंड, 2% एंड 8%। सर जी 8+2 कितना परसेंट हो जाता है, वो आपका होता है 10%। ओके, ये 10% किस पे अप्लाई करना है, तो परचेस प्राइस पे अप्लाई करना है। और आपका परचेस प्राइस कितना है, यूनिट प्राइस दे हैव गिवन ₹20। सो आई गेस ₹2 आपका आंसर आ गया, राइट है, चलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नीड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, लेट्स वर्कआउट दैट। ईओक्यू अंडर रूट ऑफ 2 इनटू एनुअल रिक्वायरमेंट है आपका 2400, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका ₹20, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आया आपका ₹2। जल्दी से ये बता दीजिएगा ईओक्यू आपका कितना आया। ओके, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे 219.09। क्या ये आंसर सब लोगों का आ गया है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 100% स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आना चाहिए था। इज इट करेक्ट फ्रेंड्स, 219.09, 219.09, इज इट करेक्ट। और इसके बाद आपने वो अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज किया रहेगा, 219 अप्रोक्सीमेटली सपोज, परफेक्ट है। इसके बाद आपको पूछा गया था कैलकुलेट इन्वेंट्री कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर रॉ मटेरियल। ओके, सबसे पहले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना आया वो चेक करते हैं। मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट था 2400 डिवाइडेड बाय 219, जल्दी से बता दीजिएगा नंबर ऑफ ऑर्डर फ्रैक्शन वाला आंसर कितना आया। फिर मैं लिख रहा हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो फ्रैक्शन वाला आंसर आ रहा है वो बताइएगा कितना आया, 2400 डिवाइडेड बाय 219। अरे जल्दी आंसर दीजिएगा, अनफॉर्चुनेटली मेरा कैलसी खराब हो गया है, आई डोंट हैव कैलसी। ओके, सो 10.96 आंसर आया। ओके, 10.96, मैंने आपको एक नोट लिखने के लिए बोला था इंस्टीट्यूट के नए स्टडी मटेरियल में, जहां पे भी नंबर ऑफ ऑर्डर फ्रैक्शन में आ रहा है वो उन्होंने राउंड अप किया है, जिधर भी फ्रैक्शन में आया था वो सब जगह पे उन्होंने राउंड अप किया है। वेरी गुड, 10.95 है, तो ये आपको 10.96 को 11 करना ही पड़ेगा। और नीचे मैंने बताया था नोट कैसे लिखना है, नोट आप लिखेंगे 10.96 नंबर ऑफ ऑर्डर आ रहा है, बट ऑर्डर कैन नॉट बी इन अ फ्रैक्शन, हेंस वी राउंडेड अप दैट ऑर्डर टू 11। ये आपने नोट कंपलसरी लिखा रहेगा। सो आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा वो 11 मल्टीप्लाई बाय 20, 220 आपका आंसर आ गया। इसके बाद आपने एवरेज इन्वेंट्री कंसिडर किया रहेगा, और या फिर डायरेक्टली कैरिंग कॉस्ट भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, 219 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो ये भी आंसर कितना आ रहा है एक बार चेक करके बताइएगा। शायद ₹1-2 का डिफरेंस आ सकता है, अगर फ्रैक्शन की वजह से डिफरेंस की बात कर रहे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लेकिन शायद कैरिंग कॉस्ट भी 220 आ रहा है और टोटल आ रहा है आपका 440। सो टोटल इन्वेंट्री का जो कॉस्ट बन रहा है बॉस वो बन रहा है 440। आई होप सब लोगों का ये आंसर आ गया है, राइट फ्रेंड्स, क्या एवरीवन गॉट दिस आंसर बॉस, मालिक तोड़, क्या सब लोगों का आंसर आ गया। ओके, 219 चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 219 आ रहा है कोई इशू नहीं है, राउंडिंग अप का डिफरेंस होता है, और 219.5 अगर है तो वो आप
राउंड अप कर दीजिएगा 220 पे, जो 440 का आपका आंसर आ गया। आई गेस 100% ऑफ यू करेक्ट सॉल्व किया रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 31। आ जाते हैं बॉस क्वेश्चन नंबर 32 पे। आई गेस काफी सारा सेम डेटा लग रहा है। एनुअल डिमांड इज 2400, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स एनुअल रिक्वायरमेंट यहां पे भी सेम है, 2400 जी। इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया था यूनिट प्राइस 2.4, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है 4 रुपए। ओके ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 4 रुपीज। इसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिया है इंटरेस्ट रेट एंड स्टोरेज कॉस्ट इज 12% आ रहा है, 12% ऑफ द परचेज प्राइस। सो 12% इंटू 2.4, अरे चैंप लोग जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। हर्षा जी लेकिन कंपलसरी हम लोग एक ही पॉइंट करेंगे, हमें नंबर ऑफ ऑर्डर राउंड अप करना है, प्लीज नंबर ऑफ ऑर्डर राउंड अप मत कीजिएगा, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्डर फ्रैक्शन में मत लिखिएगा। ओके हर्षा जी नंबर ऑफ ऑर्डर आपको राउंड अप करना ही करना है, इंस्टीट्यूट ये मेथड फॉलो करता है, सजेस्टेड आंसर में वो राउंड अप वाला आंसर रहेगा, ठीक है। तो बेटर हम लोग वो राउंड अप ही करेंगे, नए स्टडी मटेरियल में उन्होंने हर जो फ्रैक्शन वाला ऑर्डर है वो राउंड अप किया है, तो बेटर वी फॉलो दिस, ठीक है। चलिएगा फ्रेंड्स, सो कितना आ रहा है 2.88 या 0.288, ओके सो 0.288 ये आपका गया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तोड़ मालिक ये क्यों बता दीजिएगा ना, अंडर रूट ऑफ 2 इनटू एनुअल रिक्वायरमेंट आ गया आपका 2400, आपको जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो आ रहा है 4, कैरिंग कॉस्ट इज 0.288। जल्दी से ये बता दीजिएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, ईओक्यू कितना आ रहा है, 258 पॉइंट वगैरह कितना है बता दीजिएगा। सो 258 अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया, राउंड अप किया रहेगा, आपका जो आंसर है वो आप लिखेंगे, पहले दो डिजिट तक फ्रैक्शन लिखेंगे उसके बाद आप फाइनल आंसर लिखेंगे। ओके 258 अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ रहा है। इसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपने फाइंड किया, सो 2400 डिवाइडेड बाय 258, गाइस नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है, गाइज नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है, 2400 डिवाइडेड बाय 258, ओके 258.20 है, कोई बात नहीं, 258 पे आपने राउंड अप कर लिया। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का आंसर दीजिएगा जल्दी, जी हाँ। तो सपोज यहां पे 9.3 आंसर आ रहा है, राइट है ना, 9.3 आंसर आ रहा है, तो आप इसको 9 पे राउंड अप कर सकते हो या फिर 10 भी चलेगा सर, कोई टेंशन नहीं है, इंस्टीट्यूट 100% मार्क देंगे, अगर आपने 9 लिखा तो भी चलेगा, अगर आपने 10 लिखा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ओके इसके बाद आएगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, 9 ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय एक ऑर्डर प्लेस करने का जो खर्चा है वो आ रहा है 4 रुपीज, आई गेस सो 36 रुपीज आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद कैरिंग कॉस्ट अगर आपको फाइंड करना है तो 258 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 0.288, जी हाँ सर जी, आपका जो आंसर आ रहा है वो 37.152, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली 37 आंसर आया, राउंड अप की वजह से वो डिफरेंस आया, क्योंकि आपने ऐसे 0.3 ऑर्डर प्लेस नहीं किया, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 36 एंड 37 ये आपका आंसर बन रहा है, आई होप सब लोगों का ये आंसर आया रहेगा, राइट फ्रेंड्स। चलो 31 हो गया, 32 हो गया, जल्दी से आप मुझे ये बता दीजिएगा कहां तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, वो कौन सा क्वेश्चन है जहां तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। Tell me quickly, 25, 26, 27 वो कौन सा क्वेश्चन है जहां तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, जल्दी बताइएगा, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द रिमेनिंग पार्ट, ये टाइप आज हमें कंप्लीट करना ही करना है। सो प्लीज टेल मी क्विकली 25 तक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, उसके बाद 27 हुआ है शायद, बाकी है ना, ओके 24 तक कंप्लीट हो गए, 25 पेंडिंग है, चलिएगा सर। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 25 एवरीवन, ये आपके नए स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है,
ये आपके नए स्टडी मटेरियल का मॉड्यूल का क्वेश्चन है. लेट्स रीड दैट क्वेश्चन. चलिएगा. ईएक्सी लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज अंडर. प्राइस पर टन 1200, लेस देन 500. 1180, 1160, 1140, 1120 ये प्राइस दिया हुआ है और एक का आपको रेंज दिया हुआ है नंबर ऑफ ऑर्डर का. एनुअल रिक्वायरमेंट इज 5000 टन्स. द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 1200 एंड द स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम. यू आर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल. यू आर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल. वॉट विल बी योर आंसर टू द अबव क्वेश्चन इफ देर आर नो डिस्काउंट ऑफर एंड द प्राइस पर टन इज 1500. ठीक है, ये एक नया टाइप है. ठीक है, सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, आंसर आप नहीं लिख सकते फ्रेंड्स. आपको वेरियस रेंज दिया हुआ है. ठीक है, सबसे पहले रेंज क्या है, लेस देन 500. इसके बाद नेक्स्ट रेंज क्या दिया आपको, 500 एंड लेस देन 500 एंड लेस देन 1000. अगला रेंज आपको दिया है 1000 एंड लेस देन 2000 आई गेस. इसके बाद वाला क्या दिया, 2000 एंड लेस देन 3000. ठीक है, इसके बाद आपको फाइनल है 3000 एंड अबव. 3000 एंड अबव चलिएगा. ये एक नया कंसेप्ट है, सीख लीजिएगा फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स एक दो तीन चार पांच, पांच आपको अलग अलग रेंज दिया हुआ है जिसमें आप ऑर्डर कर सकते हो, और हर एक रेंज का जो परचेज प्राइस है वो अलग दिया हुआ है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं. अब आप मुझे बताएंगे क्या आपको ये क्वेश्चन में और प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में कुछ डिफरेंस पता चला. चलो ये 27 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें भी अलग अलग लेवल दिए थे. डिस्काउंट छोड़ दिए, डिस्काउंट छोड़ दीजिएगा, वो डिस्काउंट का एडजस्टमेंट छोड़ दीजिएगा. आपको कुछ नया लगा ये क्वेश्चन में और जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था. सपोज 27 जो आपको होमवर्क दिया था, कुछ अलग पॉइंट आपने आइडेंटिफाई किया है क्वेश्चन नंबर 25 एंड 27 में? अगर हां तो मुझे बता दीजिएगा. इज देयर एनी अदर पॉइंट यू आइडेंटिफाइड इन क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 27? जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा कि आपने कुछ अलग आइडेंटिफाई किया ये क्वेश्चन में. 24 से भी आप कंपेयर बिल्कुल कर सकते हो, 24 से कंपेयर कर सकते हो. 24 और 25 में क्या अलग पॉइंट आपको मिला? जी सर, एनीवन, क्या कोई आइडेंटिफाई कर पा रहा है यहां पे क्या डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 24 25 में या क्वेश्चन नंबर 25 27 में? इज देयर एनी अदर डिफरेंस यू आइडेंटिफाइड? डिस्काउंट छोड़ दीजिएगा, ये परचेज प्राइस दिया है वहां पे डिस्काउंट दिया है, ये मुझे पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं चाहिए. मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आपने आइडेंटिफाई किया क्या? थोड़ा आप सोचने की कोशिश कीजिएगा. वो कैरिंग कॉस्ट का वगैरह वो आप भूल जाइएगा, वो हमें कोई लेना देना नहीं है. बराबर है आपका पॉइंट कि पहले कैरिंग कॉस्ट रुपीज टर्म्स में दिया था, यहां पे कुछ परसेंटेज दिया तो वो चेंज हो सकता है. और क्या है, परचेज प्राइस इज डिफरेंट. बराबर है, जहां पे डिस्काउंट देते हैं वहां पे भी तो परचेज प्राइस अलग रहता है फ्रेंड्स. परचेज प्राइस चेंज हो रहा है, माना ये परचेज प्राइस चेंज हो रहा है, लेकिन पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी तो डिस्काउंट दिया था, तो डिस्काउंट में भी तो परचेज प्राइस चेंज होता है. ये डिफरेंस तो नहीं है, ये तो पहले वाले क्वेश्चन में भी था, परचेज प्राइस चेंज होता है. परचेज प्राइस चेंज होता है, ये डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये डिस्काउंट देते तो परचेज प्राइस चेंज होना ही होना है. और कुछ आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो चैंप लोग? सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सोचने की कोशिश करो खुद से. अरे अभी ऐसा मत बोलिए कि यहां पे 500 एंड लेस था या फिर 5000 एंड 1000 था, ये मत डिफरेंस मत बताइएगा ना सर. ये ऑब्वियसली हर एक क्वेश्चन का जो फिगर्स है वो तो अलग अलग हो ही सकते हैं ना फ्रेंड्स.
तो परचेज प्राइस डिफरेंट है, वो भी वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं चाहिए बॉस। देखते कितना लोग अभी भी आंसर दे पाएंगे। नहीं रे नहीं रे नहीं रे, परचेज प्राइस पर टर्न वगैरह ये भी नहीं। सोचो सोचो सोचो। और सबसे करेक्ट आंसर दिया है सत्यजीत रे इन्होंने। शाबाश सत्यजीत जी, वेरी गुड, शाबाश सत्यजीत जी, शाबाश राघव जी, सत्यजीत जी, राघव जी, हर्षा जी, शाबाश, आइडेंटिफाई कर लिया आपने। सर क्वेश्चन नंबर 27 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे दिया था नंबर ऑफ ऑर्डर कितना प्लेस करना है, 1 2 4 6 ऑर्डर प्लेस करना है। या फिर अगर मैं पहले वाला क्वेश्चन चेक करता हूं, यहां पे सर जी डायरेक्टली बोला था परचेज ट्वाइस इन अ मंथ यानी 2 ऑर्डर प्लेस करने, परचेज मंथली 12 ऑर्डर प्लेस करना है, ट्वाइस इन अ मंथ यानी 24 ऑर्डर, सॉरी परचेज मंथली 12 ऑर्डर, परचेज 3 मंथली 4 ऑर्डर, 6 मंथली 2 ऑर्डर, एनुअली 1 ऑर्डर। सो नंबर ऑफ ऑर्डर और ऑर्डर साइज आपको पता था क्वेश्चन नंबर 24 में और 27 में। क्वेश्चन नंबर 25 बराबर से पढ़िएगा, किधर भी आपको ऑर्डर साइज नहीं दिया है, किधर भी आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं दिए गए हैं। अरे झेपा क्या ये पॉइंट, किधर दिया है एक ऑर्डर प्लेस करना है, किधर दिया कि ऑर्डर सही 200 है एग्जैक्टली, या 250 या 600 या 700 है, आपको एक रेंज दिया हुआ है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया सर जी, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? जी हां सुहास जी, सुहास जी बरोबर आप आंसर बोल रहे हैं। ऑर्डर साइज ओन एजम्पशन, हमें खुद से वो एजम्पशन लेना है, ओके, क्योंकि दिया नहीं क्वेश्चन में, तो हर एक स्टूडेंट ने ये एजम्पशन लेना है। और एजम्पशन लेते वक्त ध्यान रखिएगा, हर एक स्लैब का एक क्वांटिटी एटलीस्ट आपको कंसीडर करना ही होगा, हर एक स्लैब का एक क्वांटिटी आपको कंसीडर करना ही होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स अब एजम्पशन लेना है। अब आप बोलेंगे सर मैं एजम्पशन लूंगा, कोई दूसरा स्टूडेंट कोई और एजम्पशन लेगा, तीसरा स्टूडेंट कोई और एजम्पशन लेगा, फोर्थ स्टूडेंट कोई और एजम्पशन लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये एजम्पशन पे डिपेंडेंट है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, या फिर सजेस्टेड आंसर में ही भी अलग एजम्पशन लिया रहेगा, तो बिल्कुल डरने का नहीं। सिर्फ एक पॉइंट आपको करना है, हर एक स्लैब में से एक ऑर्डर साइज कंपलसरी आपको कंसीडर करना है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? जब ऑर्डर साइज आपको नहीं दिया है तो हर एक स्लैब का एक लेवल, हर एक लेवल का एक क्वांटिटी आपको कंसीडर करना ही करना है। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये अपने एजम्पशन पे, मैं अलग एजम्पशन ले सकता हूं, आप अलग एजम्पशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई जरूरी नहीं फ्रेंड्स, सपोज पहले स्लैब में जो लेस देन 500 था, ठीक है, जरूरी नहीं है, मैं 400 कंसीडर किया, ऑर्डर एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 था, ठीक है, तो आप 400 नहीं कंसीडर करके कुछ 100 कंसीडर किया तो भी चलेगा, आपने 200 कंसीडर किया तो भी चलेगा, 250 आपने कंसीडर किया तो भी चलेगा, ठीक है। तो 500 से नीचे कोई भी एक लेवल आप कंसीडर कीजिएगा, राइट फ्रेंड्स। तो सपोज मैं सबसे पहला जो लेवल है वहां पे ऑर्डर साइज कंसीडर करने जा रहा हूं 400। मैं वापिस बोल रहा हूं हर एक स्टूडेंट का एजम्पशन अलग हो सकता है, आपको जो चाहिए वो आप कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन में मैं कंसीडर कर रहा हूं फ्रेंड्स 1000, चलेगा क्या 1000? ये 500 लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, एक बार चेक कर लीजिएगा, 1000 नहीं चलेगा ना, क्योंकि लेस देन 1000 था। तो सपोज मैंने 500 ले लिया, 500 आई हैव कंसिडर, ठीक है। 500 के बाद जो अगला लेवल था वो चेक करते हैं, 1000 था और लेस देन 2000 था, सपोज मैंने 1000 कंसिडर कर लिया, इसके बाद 2000 एंड 3000 था, सपोज मैंने 2000 कंसिडर कर लिया, लोअर लेवल कंसिडर करते जा रहा हूं मैं। इसके बाद नेक्स्ट था आपका 3000 एंड अबव, तो सपोज मैंने 3000 कंसिडर कर लिया, फ्रैक्शन में आंसर आएगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, राउंडअप हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स
समझ में आया फ्रेंड? 400 की जगह पे आप कुछ और भी कंसीडर कर सकते हो। सपोज आपको लगता है ये फ्रैक्शन में आएगा ना, एनुअल रिक्वायरमेंट 5,000 है, अगर मैं 400 से डिवाइड करता हूँ तो आई गेस 12.5 ऑर्डर आते हैं, तो फ्रैक्शन में आते हैं। तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर क्या मैं यहाँ पे 100 कंसिडर कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल हाँ, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, चलेगा फ्रेंड्स, लिखते रहिएगा, कॉलम प्रिपेयर कीजिएगा। अब आगे आपको पता है कैसे करना है, ठीक है, ऑर्डर साइज आ गया है, एनुअल रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं 5,000, हर एक कॉलम का एनुअल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, चलिएगा। इसके बाद आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। सो पहले केस में आइए सारा है आपका 12.5, लेकिन याद रहे 12.5 की जगह पे से 13 ऑर्डर, और नीचे हम लोग नोट लिखेंगे इसका, ऑर्डर कैनॉट बी इन अ फ्रैक्शन, तो ये 13 में हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सिचुएशन में 10 ऑर्डर आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका 5 ऑर्डर, नेक्स्ट आएगा आपका 2.5 ऑर्डर, स्टार मार्क कर दिया, से 3 ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट था आपका वो कितना बन रहा है बॉस? 5,000 डिवाइडेड बाय 3,000, 1.67 बन रहा है, 1.67 स्टार मार्क कर दिया, एंड से 2 ऑर्डर्स, जी हां से 2 ऑर्डर्स। नेक्स्ट लाइन, आई एम गोइंग टू राइट देयर ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब अच्छे से नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, ओके, सो कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया था क्वेश्चन में? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1200, इससे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा एंड प्लीज गिव मी आंसर। चलो जल्दी 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 फटाफट से आंसर देते रहिएगा। 1200 इंटू 13, कितना है? अरे कितना आंसर दीजिएगा ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है पहले केस में? 14,400। आर यू श्योर? 14,400 आ गया, ओके फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट आपने कंसीडर किया एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला भी लिख दिया। सपोज ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज है 400, पहले कॉलम में आ गया 200, नेक्स्ट कॉलम में आ गया आपका 250, नेक्स्ट कॉलम में आया 500, नेक्स्ट कॉलम में आ गया आपका 1000, लास्ट कॉलम में आ गया आपका 1500। पंद्रह 600 है, ठीक है, इज इट 15,600? थैंक यू, 15,600, ओके लिख दिया मुझे कुछ किसी ने, तो भी वो 14,400 बोला था लेकिन वो गलत था, कोई बात नहीं, मैंने रेक्टिफाई कर लिया है, फर्स्ट का 15,600, ठीक है सर। एवरेज इन्वेंटरी के बाद लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। दोस्त कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट इन्होंने बोला गया है, सो 20% 20% 20% 20% एंड 20%, राइट? सो 20% मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल कॉस्ट, तो पहले लेवल में 1200 है, सेकेंड लेवल में जो था वो 1180 है, तीसरे लेवल में जो था वो 1160 है, नेक्स्ट लेवल में 1140 है, और जो लास्ट लेवल था वो 1120। चलो जल्दी से बता दीजिएगा ना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना आया? टेल मी क्विकली फ्रेंड्स, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना आया? इज इट 240 इन द फर्स्ट सिचुएशन? टू हंड्रेड एंड फोर्टी, 236, नेक्स्ट आएगा 232, 228, 224 आई गेस,
चलिए 240, 236, 232, 228, 224, इज इट करेक्ट? चलो जल्दी से आप मुझे टोटल कैरिंग कॉस्ट का भी आंसर दीजिएगा। हाँ करो ना, मल्टीप्लाई करो ना बॉस। पहले कॉलम में आई गेस 48,000 आया। जिनका हो गया है फटाफट आंसर दे दीजिएगा। अरे बहुत जल्दी आंसर दीजिएगा, आई एम वेटिंग फॉर यू। फटाफट आंसर दीजिएगा, टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना है जल्दी एक ही मैसेज में लिख के भेजिएगा। 48,000 पहले केस में आ रहा है गेस। एनी आंसर? टोटल कैरिंग कॉस्ट बताइएगा फटाफट। अरे एक भी स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहा है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। 48,000 कितना टाइम ले रहे हो आप आज? फिफ्टी नाइन थाउजेंड, हाउ इट इज पॉसिबल? इज इट 48,000 पहले केस में या फिर आप सेकेंड? अच्छा दुर्गा जी, 48,000, 59,000। आगे का आंसर रेडी रखिएगा, परचेस प्राइस रेडी रखिएगा आगे का आंसर। तब तक ये मैं लिख लेता हूं, 59,000 देन 1,16,000, 2,28,000। अगला आंसर रेडी रखिएगा परचेस प्राइस, और उसके आगे का भी रेडी रखिएगा टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट आएगा आपका 3,36,000 आई गेस, 3,36,000। एक बार चेक कीजिएगा, 48,000, 59,000, 1,16,000, 2,28,000 एंड 3,36,000 चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट फटाक से आप बता दीजिएगा परचेस प्राइस। मेरा जो एनुअल रिक्वायरमेंट था वो था 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,200, देन 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,180, देन 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,160, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,140, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,120। कोई बता रहा है फ्रेंड्स आंसर? फाइनल आंसर कितना आया? मैंने आपको बोला था रेडी रखने के लिए, जल्दी बताइएगा कितना। 6 लैक्स, 60 लैक्स। यस जल्दी आंसर दीजिएगा, टेल मी क्विकली, फास्ट आंसर दीजिएगा। पहले केस में इज इट 60 लैक्स आ रहा है या 6 लाख आ रहा है, कितना आ रहा है जल्दी बताइएगा। खैर मैं ही कर लेता हूं, 59 लैक्स, 58 लैक्स, 57 लैक्स एंड 56 लैक्स। ठीक है चलेगा। फाइनली टोटल कॉस्ट, जी हाँ फाइनल आंसर दीजिएगा। अभी टोटल कॉस्ट कितना आया? टोटल कॉस्ट में यू आर गोइंग टू कंसीडर द परचेज प्राइस, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। गाइस जल्दी बताइएगा, 60 लैक्स, 63,600 आई गेस। चलो आगे का आंसर दो फटाफट से, देन 59 लैक्स, 71,000 आई गेस। इसके बाद आएगा आपका 59 लाख, 22,000 आई गेस। एक बार चेक कीजिएगा आप भी, 59 लाख, 22,000, देन 59 लाख, 31,600।
60 लाख आप गलत बता रहे हो मुक्ता जी, 60 लाख 33,600 नहीं है वो, 60 लाख 63 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 48,000 और 15,600, 63,600 आता है। उसके बाद लास्ट कॉलम में आएगा 59 लाख 38,400। अरे क्या रे, तुम लोगों से पहले ओरली मैंने कर लिया। चलिएगा जल्दी से चेक कीजिएगा आंसर्स। 60 लाख 63,600, 59 लाख 71,000, 59 लाख 22,000, 59 31,600 है, 59 38,400 है, इज इट सो? चलिएगा कंप्लीटेड। बहुत स्लो कैलकुलेशंस आप कर रहे हो आज, जल्दी जल्दी कंप्लीटेड फ्रेंड्स। फिर हमें वो नोट लिखना पड़ेगा, राउंड अप किया था। चलेगा हमें वो नोट लिखना है, अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो जल्दी से हम लोग वो नोट लिखते हैं, लिखो जल्दी। एवरीवन प्लीज राइट डाउन दिस नोट। सिंस नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैनॉट बी इन अ फ्रैक्शंस, सिंस नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैनॉट बी इन अ फ्रैक्शंस, हेंस सिंस नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैनॉट बी इन अ फ्रैक्शंस, हेंस 12.5 ऑर्डर्स टेकन एज 13 ऑर्डर्स, 12.5 ऑर्डर्स टेकन एज 13 ऑर्डर्स, 2.5 आर टेकन एज 3, 2.5 टेकन एज 3, 1.67 टेकन एज 2। जी हाँ, 1.67 टेकन एज 2, राइट। एक और आप नोट लिखिएगा, आप सेव हो जाएंगे, अगर सजेस्टेड आंसर में कुछ और लेवल इन्होंने कंसीडर किया रहेगा तो आप बच जाएंगे फ्रेंड्स। सो प्लीज राइट डाउन दैट नोट। एक और नोट आप लिखिएगा, एक और नोट आप लिखिएगा, इन एब्सेंस ऑफ ऑर्डर साइज गिवन इन क्वेश्चन, इन एब्सेंस ऑफ ऑर्डर साइज गिवन इन क्वेश्चन, इन एब्सेंस ऑफ ऑर्डर साइज गिवन इन क्वेश्चन, वी कंसिडर्ड, वी कंसिडर्ड वन ऑर्डर फ्रॉम ईच परचेस लेवल, वी कंसिडर्ड वन ऑर्डर फ्रॉम ईच परचेस लेवल। चलिए अब फाइनल आंसर लिखते हैं बॉस, क्वेश्चन पढ़ो, चलो चैंप लोग क्वेश्चन पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल। अब ये जो लेवल है इसमें से मोस्ट इकोनॉमिक क्या आ रहा है आपका, 1000 आ रहा है। सो राइट डाउन मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल इज 1000 यूनिट्स, मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल शुड बी 1000 यूनिट्स। मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल इज 1000 यूनिट्स। चलिए आई होप आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। आगे ऐसा लिख दीजिएगा, दैट इज बिटवीन 1000 एंड 2000, दैट इज बिटवीन 1000 एंड 2000, दैट इज बिटवीन 1000 एंड 2000। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। वॉट शुड बी योर आंसर टू डू द अबव क्वेश्चन,
टू द अबव क्वेश्चन, इफ देर इज नो डिस्काउंट ऑफर्ड एंड द प्राइस पर टर्न इज 1500, चलेगा? डिस्काउंट अगर नहीं है तो फ्रेंड्स आपको ईओक्यू फॉलो करना पड़ेगा। ईओक्यू का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 2 इनटू एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। चलो जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? इज इट 5000 का एनुअल रिक्वायरमेंट है मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट जो दिया था क्वेश्चन में 1200 रुपीज का ऑर्डरिंग कॉस्ट है डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट है आपका 20% और परचेज प्राइस आपको जो दिया गया है वो 1500 रुपए दिया गया था। चलिए सो फाइनली आपका आंसर कितना आया कमेंट में लिखकर बताइएगा, कितना आपका यो क्यों आया? जी फ्रेंड्स यो क्यों कितना है चलो बताओ। जी हाँ फ्रेंड्स ईओ क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना बन रहा है? इज इट 200 आ रहा है? परफेक्ट फ्रेंड्स। जी हाँ 200 आपका आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिएगा ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया और एक जबरदस्त पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किया है कि अगर 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 आपको अलग अलग लेवल्स दिया गया है लेकिन आपको ऑर्डर साइज डायरेक्टली नहीं दिया है तो क्या करना है वो हमें पता है। हर एक लेवल का एक ऑर्डर साइज एज्यूम करके हमें आंसर लिखना है। चलिएगा आपका आंसर आ चुका है, आपने आंसर दे दिया 200। ठीक है चलिएगा सो 25 कंप्लीटेड। फ्रेंड्स क्या हमने 26 कंप्लीट कर लिया है? चैंप लोग क्या हमने क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट किया? थोड़ा जल्दी बताइएगा ना प्लीज, आज हमें ये कंसेप्ट पूरा कंप्लीट करना ही करना है। टेल मी क्विकली वेदर क्वेश्चन नंबर 26 इज कंप्लीटेड। 27 होमवर्क था, क्या 26 कंप्लीट हो चुका है? डन। अच्छा यानी 27 तक सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंसीडर कर लिए। थर्टी वन थर्टी टू हो गया है। ओके आएगा क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करते हैं। आरएसटी लिमिटेड हैज रिसीव द ऑफर एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज अंडर प्राइस पर टर्न 9600 9360 9120 8880 8640 ऑर्डर साइज 50 50 100 100 200 200 300 300 एंड अबव एनुअल रिक्वायरमेंट इज 500 टर्न्स द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 12500 स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज 25% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम कॉम्प्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल एंड कॉम्प्यूट ईओक्यू इफ देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट एंड प्राइस पर टर्न इज 10500। नवंबर 2010 में ये 5 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन था और ये पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे लेकिन यहां पे भी आपको डायरेक्टली ऑर्डर साइज नहीं दिया है तो आपको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है इट्स लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन ओनली। तो लेस देन 50 में आप कितना एज्यूम कर लेंगे सर? लेस देन 50 में कितना लेते हो? कितना लेंगे सर लेस देन 50 में? 25 लिया तो भी चलेगा, 10 लिया तो भी चलेगा, ऑप्शन आपका है। कितना ले रहे हो लेस देन 50 में? अरे जल्दी बताइएगा, लेस देन 50 में एक लेवल सब लोग सेम कंसीडर करेंगे। सो एक तो आ गया आपका 50, एक आ गया आपका 100, एक आ गया आपका 200, ठीक है, और एक आ गया था आपका 300। So, पहले लेवल में सब लोग कॉमन कंसीडर कीजिएगा। चलो 25 कंसीडर करके आंसर लेके आइएगा। आपने 40 भी लिया तो भी चलेगा, 10 लिया तो भी चलेगा। चलो फटाफट आंसर देते रहिएगा। मैं सिर्फ आपको दे रहा हूं 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस एंटायर क्वेश्चन क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। 5 मिनट में सॉल्व करके बताइएगा। सब लोग यही लेवल कंसिडर करेंगे 25 50 100 200 300। चलो जल्दी फटाफट करते रहिएगा सॉल्व। होमवर्क दूंगा, कुछ और क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। मैंने डिसाइड करके आया हूं कि होमवर्क कौन सा देना है। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है।
9:05 पे ये क्वेश्चन मैं चेक करूंगा, मैं फाइनल आंसर चेक करूंगा, रफ में सॉल्व नहीं करना है, फेयर नोटबुक में सॉल्व करना है। ओवर टू यू। पहले लॉट में 25, सेकंड में 50, 100, 200, 300 और नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको कंपलसरी राउंड अप करना ही करना है। बुक्स कब आएगा? बुक्स ऑलरेडी वी स्मार्ट ने डिस्पैच स्टार्ट कर दिया है, तो बुक्स के लिए आपको वी स्मार्ट में का अगर आपको नहीं मिला, मैसेज वगैरह नहीं मिला, तो एक मेल ड्रॉप कीजिएगा वी स्मार्ट के जो आपका कस्टमर केयर है वहाँ पे मेल ड्रॉप कीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन ऑलरेडी डिस्पैच स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को मैसेज आ चुका है, तो आप एक बार वी स्मार्ट में मेल ड्रॉप कीजिएगा कि अब तक बुक नहीं आया है।
टाइम अप। क्या कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? मुक्ता जी का आंसर आ चुका है, बाकी लोग जल्दी कीजिएगा, मैंने जितना टाइम दिया था वो खत्म हो चुका है। चलो बाकी लोग आंसर देते रहिएगा, अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो काइंडली गिव मी आंसर क्विकली। ओके 100 यूनिट्स का आपका परचेस होना चाहिए, 100 यूनिट्स का, और वहाँ पे कॉस्ट आपका शायद कम आ रहा है, और ईओ क्यू काफ़ी सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, 69 आपका आ गया ईओ क्यू। ओके चलिएगा। सो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट बन रहा था वो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 12,500, 12,500 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर है आपका 20, सो पहले कॉलम में आ गया 2,50,000, 1,25,000, 5 ऑर्डर प्लेस करते तो 62,500, अगर आप 3 ऑर्डर प्लेस करते हो तो 37,500, अगर 2 ऑर्डर प्लेस करते हो तो 25,000 आई गेस। चलिएगा, सो 2,50,000, 1,25,000, 62,500, 37,500, 25,000। चलिएगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हमें कैलकुलेट करना है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 25% ऑफ परचेस प्राइस है, सो 25% मल्टीप्लाई बाय परचेस प्राइस, पहले केस में 9,600, नेक्स्ट केस में 25% ऑफ 9,360, 25% ऑफ 9,120, 25% मल्टीप्लाइड बाय 8,880, 25% ऑफ 8,640, 8,640। चलेगा, सो आपका जो आंसर बन रहा है वो 9,600 मल्टीप्लाइड बाय 25%, पहले केस में आ गया 2,400, राइट, 9,360 मल्टीप्लाइड बाय 25%, 2,340, 9,120 मल्टीप्लाई बाय 25%, 2,280, 8,880 मल्टीप्लाई बाय 25%, 2,220, 8,640 मल्टीप्लाइड बाय 25%, 2,160।
ओके 2160, ठीक है। सो टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा ये भी? अच्छा कैरिंग कॉस्ट ये पर यूनिट आया है, सो 2400 मल्टीप्लाइड बाय 12.5, पहले केस में आपका आंसर आ गया 30,000। 2340 मल्टीप्लाई बाय 25, 58,500। 2280 मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री है 50, 1,14,000। 2220 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसके लिए भी कैलसी यूज किया, नेक्स्ट कितना आएगा चेक कीजिएगा। टू वन सिक्स जीरो मल्टीप्लाई बाय 150, 3,24,000 आई गेस, चलेगा। ओके वेरी गुड, थैंक यू मुक्ता जी। परचेज प्राइस आपने डायरेक्ट बता दिया है 48 लाख इन द फर्स्ट सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन आ रहा है आपका 49,80,000, नेक्स्ट सिचुएशन में आ रहा है आपका 45,60,000, नेक्स्ट सिचुएशन में आ रहा है 44,40,000। फाइनल टोटल कॉस्ट भी बता दीजिएगा, इसके बाद आ रहा है 43,20,000। ओके वेरी गुड, एक बार चेक कीजिएगा फटाफट से। सो टोटल कॉस्ट ये आ गया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये आ गया आपका कैरिंग कॉस्ट, और ओहो कैरिंग कॉस्ट ये आया आपका, और जो आपका आ रहा है परचेज प्राइस ये आ गया। ओके सो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है मुझे बता दीजिएगा। ये आ रहा है आपका, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 50,80,000। अच्छा 50,81,200 कैसे? एक बार चेक कीजिएगा ना। मुक्ता जी पहला कॉलम चेक करो, फोर्टी सिक्स लैख एटी थाउजेंड, ठीक है 46,80,000 है। ओके ओके लिख दिया, अब मुझे टोटल तो बताओ ना जल्दी, बाकी चेक करो तो आप परचेज प्राइस। अरे आप बताओ जल्दी जल्दी, मैं आप पे निर्भर हूं। 48 लैक्स प्लस 2400, अरे यार 48 लैक्स प्लस 30,000 प्लस 2,50,000, फिफ्टी लैख एटी थाउजेंड, जी हाँ 50,80,000। चलो जल्दी सेकेंड लेवल बताओ ना, 50,80,000 के बाद क्या है? 48,63,000 आई गेस, 500 नेक्स्ट लेवल, 47,36,500, 47,36,500 नेक्स्ट लेवल, 46,99,500 46,99,500 के बाद एवरेज इन्वेंटरी को राउंड अप नहीं करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को राउंड अप करना है, 4,46,69 चलिएगा। आई होप ये फाइनली आपका आंसर हो चुका है। सो आपका जो लोएस्ट कॉस्ट आ रहा है वो 100, ये लेवल पे आपका लोएस्ट कॉस्ट आ रहा है, फिर आपने वर्कआउट किया रहेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अरे बहुत लेट कर दिया सर, ये होमवर्क देना चाहिए था, मुझे लगा 5 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, हमारे यहाँ पे 20 मिनट एक्स्ट्रा निकल गए फ्रेंड्स, बहुत स्लो किया आपने ये क्वेश्चन। बहुत स्लो किया आपने ये क्वेश्चन, यहां पे कम आ रहा है कि एक बार चेक करो। थ्री हंड्रेड पे आ रहा है, वेरी गुड। क्या रहे फिर 100 में किसने बताया था? कुछ लोग 100 बता रहे, कुछ 200 बता रहे, आप कुछ 300 है। सो 46,69,000 आ रहा है।
सो लोएस्ट आपका 300 लेवल पे आया है. सो प्लीज राइट डाउन देयर कि 300वें लेवल पे आपका लोएस्ट कॉस्ट आया है. अरे जल्दी करो यार, 20 मिनट्स आपने एक्स्ट्रा लिया है. 300 लेवल्स पे आपका लोएस्ट कॉस्ट आ रहा है. फिर आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिफाइन किया अंडर रूट ऑफ 2 इनटू एनुअल रिक्वायरमेंट था आपका 500 मल्टीप्लाइड बाय जो ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया था वो था 12,500 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 25% ऑफ 10,500. जी हाँ, 300 क्वांटिटी में आपने ऑर्डर प्लेस करना है. ईओक्यू कितना आया? अरे चलो जल्दी ईओक्यू का तो आंसर दीजिएगा. ओके, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ रहा है 69. चलेगा, अब आप कर लेंगे फ्रेंड्स, बहुत टाइम ले लिया, अब आगे का वर्किंग आप कर लीजिएगा. ओके, 69 आपका आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. चलेगा, वेरी गुड फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 29 आपको सोचने के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं. एक एक इसमें नया एडजस्टमेंट है, देखते कितना लोग कर पाते हैं. कंपनी यूजेस 50 कंटेनर ऑफ एसिड पर एनम, एनुअल रिक्वायरमेंट है 50 कंटेनर्स. इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट द परचेस ऑर्डर कॉस्ट इज रुपीज 10, ऑर्डरिंग कॉस्ट है एंड कैरिंग कॉस्ट इज 1 रुपीज. सप्लायर ऑफ एसिड ऑफर अ क्वांटिटी डिस्काउंट एज फॉलोज, 1 to 9 कंटेनर डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, 10 to 49 कंटेनर 0.5 पर यूनिट का डिस्काउंट है, 50 to 99 ₹1 पर यूनिट का डिस्काउंट है, 100 एंड अबव 1.6 का कंटेनर है, ठीक है 1.6 का डिस्काउंट है. कॉम्पीट द ईओक्यू विथ डिस्काउंट एंड विदाउट डिस्काउंट, डिस्काउंट के साथ और बिना डिस्काउंट के आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करना है. अब फ्रेंड्स आप आराम से पहला लेवल ले लेंगे, सेकंड लेवल ले लेंगे, तीसरा लेवल ले सकते हो, लेकिन अगर आप बराबर से देखेंगे फोर्थ लेवल में आपका थोड़ा कंफ्यूजन होएगा. कंफ्यूजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं. फोर्थ लेवल क्या है, 100 एंड अबव अगर आप परचेस करते हो तो 1.6 रुपीज पर यूनिट का डिस्काउंट मिलेगा. सपोज आपने 100 परचेस कर लिया तो प्रॉब्लम हो गई ना फ्रेंड्स. क्या प्रॉब्लम हो गया, आपकी तो एनुअल रिक्वायरमेंट 50 है और आप 100 परचेस करते हो तो वो कैसे होएगा. लेकिन आपको हर एक लेवल तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, यू हैव टू कंसीडर ईच लेवल. आपको हर एक लेवल कंसीडर करना पड़ेगा तो ये जो लास्ट लेवल है उसका भी कुछ क्वांटिटी आपको कंसीडर करना पड़ेगा. लेकिन दिक्कत ये हो रही है, मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट 50 है और ये लेवल में 100 एंड अबव बोला जा रहा है. यहां पे 100 एंड अबव बोला जा रहा है. तो ये आपको सोचना है. मैं थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन होमवर्क को देता हूं, ये आप सोचेंगे इसका कैसे वर्किंग करना है. ये लेवल भी तो आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा, हिंट नहीं दूंगा मैं, ये आप लोग ट्राई करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 29 इज फॉर होमवर्क, रफ में सॉल्व करना क्योंकि वहां पे एक नया एडजस्टमेंट मैंने दिया हुआ है कि मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट 50 है, मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट 50 है और लास्ट लेवल में मिनिमम 100 क्वांटिटी है तो उसमें से भी कुछ आपको कंसीडर करना पड़ेगा. कैसे ये आप सोचेंगे और आंसर देंगे, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट. चलिएगा आगे बढ़ते हैं. एवरीन प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 30. अरे रिजल्ट का डेट पता चला कि आपको?
क्या है रिजल्ट का डेट? रिजल्ट का डेट क्या है? एनी आइडिया अबाउट दैट? चलिए, काफी देर अपना लेक्चर हो गया, थोड़ा सा एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से ये बताइए, रिजल्ट का डेट किसी को पता चला कंफर्म? सूत्रों के हवालों से ये खबर, ठीक है, रिलायबल सोर्सेस से ये खबर आई है? अच्छा जी, कुछ लोग बोल रहे 9 फेब है, कुछ लोग बोल रहे 3 फेब है, ठीक है, और कुछ? किसी के सूत्र है इंस्टीट्यूट में जिनको अंदर से कुछ खुफिया खबर मिली है? नहीं सर, ब्रेक नहीं चाहिए। नहीं, ब्रेक नहीं ले रहा हूं, जस्ट मैं एक डिस्कशन कर रहा हूं। मुझे भी पता होना चाहिए कि किसी का खुफिया कुछ खबर है, रिजल्ट कब आ रहा है। अच्छा, 8th फेब ऑन गूगल, गूगल पे 8 दिख रहा है। ओके, राइट 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 राइट, ठीक है। अब तो फिर अगर 9th फेब या फिर 8th फेब आप बोल रहे हो तो काफी सारा टाइम है, कोई बात नहीं, चलेगा। फर्स्ट वीक ऑफ फेब है, 8th फेब ऑन गूगल है, चलिएगा, देखते हैं कब रिजल्ट आता है। वैसे भी पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा तो टेंशन नहीं है, 3 को आएगा, 9 को आएगा, अपना रिजल्ट तो पॉजिटिव ही है। जी सर, क्वेश्चन नंबर 30। अ कंपनी यूजेस अ परचेस कंपोनेंट, कंपनी यूजेस परचेस्ड कंपोनेंट इन एन असेंबली, इट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू। प्लीज आप अंडरलाइन कीजिएगा, कंपनी क्या फॉलो कर रहा है? तो कंपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो कर रहा है, ठीक है, फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ कंपोनेंट। परचेज प्राइस ऑफ द कंपोनेंट इज 800 ईच, कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट इज 15% एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 150। द कंपनी हैज एस्टिमेटेड द टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग इज 36,000। पेज फटने तक अंडरलाइन करो गाइस, पेज फटने तक अंडरलाइन करो। सबसे पहले तो कंपनी ईओक्यू फॉलो कर रहा है एंड टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग इज 36,000 है। चलो जल्दी से बता दीजिएगा मुझे आपको क्या हाईलाइट करना है फास्ट। ऐसा एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, जल्दी से बताइएगा करना क्या है। जल्दी से बताइएगा हमें करना क्या है। वेरी गुड, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आ रहा है आपका 36,000। इसका मतलब ये हुआ एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जितना आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है उतना ही आपका कैरिंग कॉस्ट आएगा। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 2 अगर लेते हैं तो 18,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा, 18,000 आपका कैरिंग कॉस्ट आएगा। चैंप लोग सही है। नेक्स्ट वन, 3% का डिस्काउंट मिलेगा इफ द एंटायर रिक्वायरमेंट इज कवर्ड इन टू 2 ऑर्डर्स, ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट को 2 हिस्सों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आपको 3% डिस्काउंट मिलेगा। फाइंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फाइंड ईओक्यू, ठीक है, ईओक्यू आपको फाइंड करना है। टोटल कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट प्रोक्योरमेंट स्टोरेज इफ डिस्काउंट ऑफर इज एक्सेप्टेड, कंपेयर दिस विथ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड वॉट फर्दर डिस्काउंट इफ एनी शुड बी निगोशिएटेड टू मिनिमाइज द कॉस्ट, एज्यूम दैट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द डिस्काउंट पॉलिसी। जी हाँ फ्रेंड, आपको मैं दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ, आपको मैं दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट में पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और आपको पता है करना क्या है। फ्रेंड्स, ईओक्यू फॉलो किया, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट आएगा, देयरफॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आएगा आपका 18,000, कैरिंग कॉस्ट भी आएगा आपका 18,000, दोनों मिला के आपको दिया था 36,000। फिर आपको कैसे करना पता है, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, ईओक्यू फाइंड कीजिएगा, फिर एनुअल रिक्वायरमेंट फाइंड कीजिएगा और टोटल कॉलम बनाइएगा। जल्दी से आप आंसर लिखेंगे और फेयर में सॉल्व करना है आपको, मैं और आप साथ में सॉल्व करें, लेट चेक कौन पहले सॉल्व करता है, लेट सी। जल्दी से
चलिए जल्दी से, हाँ 5 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। लेट्स सी कौन पहले सॉल्व करता है, आप सॉल्व करते हैं मैं सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था, होमवर्क दिया था, देखो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम आता था, आई गेस 4000 था, तो 2000 ऑर्डरिंग कॉस्ट लिया, 2000 कैरिंग कॉस्ट लिया था आप लोगों ने। तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, एनीवन गॉट द ईओक्यू, आंसर देते रहिएगा। मेरा तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ रहा है 300। ओके सर, ईओक्यू आ गया बॉस मेरा 300, काफी सारे स्टूडेंट ने भी आंसर दे दिया 300। ठीक है, फिर वो जो फर्स्ट ये मैंने वर्कआउट किया, फिर सेकंड वर्किंग नोट में वर्कआउट कर रहा हूँ, एंड सेकंड वर्किंग नोट में मैं दूंगा ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, क्योंकि मुझे एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं दिया है। वी नीड टू फाइंड दैट एनुअल रिक्वायरमेंट। वेरी गुड, 36,000 इज करेक्ट आंसर, शाबाश। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 18,000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई ऑर्डर साइज दैट इज ई ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब 150 दे हैव गिवन, देयरफॉर 18,000 इज इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई ईओ क्यू। वी हैव कैलकुलेटेड 300 मल्टीप्लाई बाई 150, देयरफॉर जो आपका एनुअल रिक्वायरमेंट आ रहा है वो आ रहा है 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 300 डिवाइडेड बाय 150। जी हाँ, 36,000 इज योर फाइनल आंसर। यस गाइस, 36,000 एनुअल रिक्वायरमेंट आ गया। अब आपका एनुअल रिक्वायरमेंट आ गया तो कितने कॉलम कंसीडर करेंगे, चलो जल्दी बताइएगा। एक ईओक्यू का कॉलम आएगा, एक 3% डिस्काउंट का आएगा, क्या एक और कॉलम लेंगे? जी हाँ, एक और कॉलम आप कंसीडर करेंगे। वो एक और कॉलम किसके लिए रहेगा? तो अच्छा, दो ही कॉलम आएंगे। व्हाट फर्दर डिस्काउंट इफ एनी शुड बी निगोशिएटेड फॉर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। ठीक है, और कितना डिस्काउंट चाहिए ये आपको पता करना है, चलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल तो दो कॉलम कंसिडर करके आंसर लेके आते हैं, एक ईओक्यू का रहेगा और एक 3% डिस्काउंट का रहेगा। फिर आप भी मुझे बताएंगे और कितना डिस्काउंट परसेंटेज टर्म्स में चाहिए, और कितना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट चाहिए। तो एक कॉलम मैंने कंसिडर किया ईओक्यू, और एक कॉलम कंसिडर करो 3% डिस्काउंट। देखते हैं, ये लास्ट वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन वर्कआउट दिस। ऑब्वियसली ना, होल क्वेश्चन का ही रहेगा, है ना, पहले ही ये डिस्कशन हो चुका है। कैरिंग कॉस्ट पूरे क्वेश्चन के लिए एक ही एजम्पशन लेते हो ना, अगर आप काफी सारे कॉलम आप कंसीडर करते हो
तो ऑब्वियस है ना, ये कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगा, ये एजम्पशन हर एक के लिए कंसीडर करना पड़ेगा। एक जगह पे अलग एजम्पशन, दूसरे जगह पे अलग एजम्पशन लेके आप कॉलम कैसे कंपेयर करेंगे। तो क्वेश्चन का ये जो एजम्पशन है वो कॉमन रहता है हर एक के लिए, ठीक है ना। यस फ्रेंड्स, तो परचेज प्राइस कितना है चेक कीजिएगा क्विकली। इन द फर्स्ट कॉलम वी आर गोइंग टू कंसीडर 800, इन द सेकेंड कॉलम 800 पे आपको 3% का डिस्काउंट मिल रहा है। चलेगा 2,79,36,000 है। नेक्स्ट सिचुएशन, इज इट 2 करोड़ विधि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़िएगा, एज्यूम दैट कैरिंग कॉस्ट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द डिस्काउंट पॉलिसी। तो अगर एजम्पशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, विल हैव टू फॉलो दैट एजम्पशन। तो वहां पे बोला है कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी, विल नॉट चेंज बोला है, तो आप चेंज कैसे कंसीडर कर सकते हो? इट्स स्पेसिफिकली गिवन इन क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम नहीं विधि जी, चलिए टोटल आंसर दीजिएगा। सेकेंड कॉलम का आंसर कितना आया? सेकेंड कॉलम का आंसर कितना आ रहा है जल्दी से बताइएगा। 2,79,00,000।
नहीं ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने। चलो टोटल बताइएगा कितना आया। 2,79,36,000 प्लस 10,80,000 प्लस आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट बन रहा है वो आ रहा है 300। सो 2,90,16,300 इज योर फाइनल आंसर। 2,90,16,300 इज योर आंसर। यस सर 2,90,16,300। आपने क्या करना चाहिए, ईओक्यू फॉलो करना चाहिए या 3% डिस्काउंट पॉलिसी फॉलो करना चाहिए? फाइनल आंसर इज यू शुड फॉलो 3% डिस्काउंट पॉलिसी या ईओक्यू। देखो 3% डिस्काउंट पॉलिसी में कॉस्ट ज्यादा लग रहा है तो यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस 3% डिस्काउंट पॉलिसी, आप ईओक्यू फॉलो करेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जो क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट फर्दर डिस्काउंट यू शुड निगोशिएट टू मिनिमाइज द कॉस्ट, और कितना डिस्काउंट डिमांड करेंगे। देखो आपने डिस्काउंट पॉलिसी फॉलो नहीं करना है क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है, तो आप वो वेंडर के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे नहीं मुझे ये फॉलो नहीं करना है, मैं दो ऑर्डर पूरे साल में प्लेस नहीं करूंगा, मुझे ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, रादर आई विल फॉलो ईओक्यू 300 के लॉट में मैं परचेस ऑर्डर प्लेस करूंगा। तो अगर आप निगोशिएशन के लिए जाते हो तो सामने वाले से और कितना डिस्काउंट डिमांड करेंगे, ऑब्वियसली एटलीस्ट कॉस्ट मैच होने जितना आप डिस्काउंट डिमांड करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था, ठीक है? तो कितना डिफरेंस आ रहा है वो एक बार चेक कर लेते हैं। आई गेस आपको और डिस्काउंट फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा डिस्काउंट रुपीज टर्म्स में कितना चाहिए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट रुपीज टर्म्स में चाहिए 1,80,300, राइट है फ्रेंड्स? अरे समझ में आया क्या बॉस? ईओक्यू में कॉस्ट कम आ रहा था, डिस्काउंट पॉलिसी में कॉस्ट ज्यादा आ रहा था, तो सामने वाले से अगर और डिस्काउंट निगोशिएट करना है तो एटलीस्ट ये कॉस्ट कम से कम मैच होना चाहिए, तो मिनिमम डिस्काउंट शुड बी 1,80,300। अगर परसेंटेज टर्म्स में बात करते हैं तो एडिशनल परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट शुड बी 1,80,300 डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस। फ्रेंड्स डिस्काउंटेड प्राइस पे डिस्काउंट वापस नहीं मिलेगा, ओरिजिनल प्राइस पे डिस्काउंट रहता है और ओरिजिनल प्राइस इज 2,88,00,000। अरे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ गया क्या? मैं डिवाइड करते वक्त 2,79,36,000 नहीं लिया है, डिस्काउंटेड प्राइस पे डिस्काउंट नहीं रहता है। डिस्काउंट किस पे रहता है? ओरिजिनल प्राइस पे आपको डिस्काउंट कंसीडर करना है। तो डिवाइडेड बाय 1,80,300 डिवाइडेड बाय 2,88,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर मैं कंसीडर करता हूं तो 0.626% 0.626% का कम से कम आपको और डिस्काउंट लगेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। चलेगा तो रिवाइज डिस्काउंट कितना आना चाहिए, 3.626% का एटलीस्ट आपको डिस्काउंट चाहिए। सही है ना बॉस? अरे ये झेपा क्या सब लोगों को, अरे ये समझा क्या सब लोगों को? एडिशनल डिस्काउंट कितना मिलना चाहिए, 0.626% का कम से कम, इससे ज्यादा ही मिलना चाहिए तो ही आप डिस्काउंट पॉलिसी फॉलो करेंगे, अदरवाइज ईओक्यू बेटर है। तो फाइनली टोटल डिस्काउंट कितना होना चाहिए, पहले ऑलरेडी 3% का मिला था उसमें ये 6.26 ऐड कर दीजिएगा। सो 3.626% का मिनिमम डिस्काउंट आपको चाहिए, कम से कम आपको यहां पर डिस्काउंट चाहिए चाहिए। ओके सर आई होप कंप्लीटेड। अरे सर लिखा क्या सब लोगों ने, क्या ये पॉइंट इंपॉर्टेंट समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा रिवीजन बिफोर एग्जाम, स्पेशली ये जो लास्ट पार्ट था वो इंपॉर्टेंट था, स्पेशली जो लास्ट पार्ट था वो इंपॉर्टेंट था।
दुर्गा जी मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा आपका जो भी कुछ क्वेरी है, ठीक है, रिगार्डिंग दैट परचेज। सो डोंट वरी एट ऑल, टेक्निकल टीम आपको गाइड करेंगे वो सॉल्व करने में, ठीक है। तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। जी हाँ, तो सप्लायर कम से कम कितना डिस्काउंट देगा? मोर देन 6 to 6% का, 6.6 to 6% से ज्यादा ही डिस्काउंट देगा। आई होप सब लोगों ने ये पॉइंट लिखा है, कंप्लीट हो चुका है सब लोगों का, राइट फ्रेंड्स? चलेगा, बराबर से लिखा ना, डिस्काउंट पॉलिसी शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ये एक पॉइंट आपने कंप्लीट किया रहेगा। और दूसरा पॉइंट आपने लिखा रहेगा कि और कितना डिस्काउंट चाहिए, तो 0.6 to 6% का मिनिमम डिस्काउंट आपको चाहिए, अदरवाइज ईओक्यू बेटर है। चलेगा, तोड़ मालिक, समझ में आया ये क्वेश्चन? इसके जैसा एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था। चैंप लोग, समझ में आया, आगे बढ़ना है। जी हाँ सर जी, क्या आपको यह समझ में आ गया है? शुड वी प्रोसीड, जल्दी से आप रिप्लाई कीजिएगा सो दैट वी कैन प्रोसीड। 31-32 नंबर का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। ओके, समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 34 होमवर्क लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 होमवर्क लीजिएगा फटाक से। 34 होमवर्क है, और एक आपको होमवर्क दिया था। 34 रेगुलर है, पहले वाला आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसलिए होमवर्क दिया है, राइट फ्रेंड्स? चलेगा, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, नवंबर 2020 जो रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ था नवंबर 2020। आज एक नया पेपर आपको मिलेगा, तो वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑब्वियसली अपने क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 35 नवंबर 2020 10 मार्क्स के लिए आया था, और आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि कितना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कितना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 35 10 मार्क्स के लिए, और आराम से 5 या 6 मिनट में ये 10 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। एन ऑटोमोबाइल कंपनी परचेसेस 27,000 स्पेयर पार्ट फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एनुअल रिक्वायरमेंट दे दिया था 27,000 रुपीज का। द कॉस्ट पर ऑर्डर इज 240, कैरिंग कॉस्ट इज 12.5%, 12.5% परचेस प्राइस पे डिपेंडेंट है। ईच स्पेयर पार्ट कॉस्ट रुपीज 50, एट प्रेजेंट द ऑर्डर साइज इज 3,000 स्पेयर पार्ट, एट प्रेजेंट ऑर्डर साइज इज 3,000 पर स्पेयर पार्ट। इसका मतलब 27,000 आपको पर एनम परचेस करना है डिवाइडेड बाय 3,000, राइट? तो आप कितना ऑर्डर प्लेस करेंगे? 9 ऑर्डर्स यू आर गोइंग टू प्लेस। एज्यूम दैट टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर आर 360 डेज। एज्यूम नंबर ऑफ डेज आर 360 डेज। फाइंड आउट हाउ मच कॉस्ट विल बी सेव्ड बाय ऑप्टिन ईओक्यू मॉडल। अगर आप ईओक्यू फॉलो करते हैं तो कितना पैसा बचा लेंगे? द रीऑर्डर पॉइंट अंडर ईओक्यू इफ लीड टाइम इज 12। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये सेकेंड पार्ट इग्नोर कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर का डिस्कशन है, ठीक है। वेरियस स्टॉक लेवल में वो सबसे पहला ही पॉइंट है, रीऑर्डर लेवल हमें फाइंड करना है, तो वो आप 4 लाइन छोड़ के रखिएगा। हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर बी प्लेस अंडर ईओक्यू मॉडल। फ्रेंड्स, आराम से, मुझे गारंटी आप पे, आप ये क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, जल्दी से वर्कआउट कीजिएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना चिंदी क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा गया है, जो आप 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। चैलेंज है आपको, 5 मिनट में सॉल्व करके बताइएगा। लेट्स सी 9:50 तक कितना लोग सॉल्व करके देते हैं ये क्वेश्चन। 9:50 तक ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें बी पार्ट आप इग्नोर कीजिएगा, वो आपको रीऑर्डर लेवल बाद में पता चलेगा। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, 360 डेज आपको कंसीडर करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर से आप डिवाइड करेंगे। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस। चलो जल्दी ईओक्यू बताओ कितना है। अरे डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं है, डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं है, फटाक से आप आंसर दीजिएगा।
चलिए 1440 आपका आंसर आ चुका है। चलो 3 मार्क्स तो आपको एटलीस्ट मिल गया 10 में से। डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 12.5% ऑफ परचेज प्राइस। और आपका जो परचेज प्राइस था वो दिया हुआ था क्वेश्चन में, ₹50। चलेगा। सो फाइनली फ्रेंड्स काफी सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गया आपका 1440 राइट है। जी हाँ 1440 आपका आंसर आ गया है। एवरीवन गॉट दिस, फ्रैक्शन में तो नहीं आ रहा है ना। इज इट 1440 इज फाइनल आंसर? सारे स्टूडेंट ने 1440 दिया हुआ है। सो इज इट फाइनल आंसर? नेक्स्ट एक आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम कंसीडर करेंगे एंड एक प्रेजेंट परचेसेस का कॉलम कंसीडर करेंगे, और सामने वाले को आपको ये इन्फॉर्म करना है कितना पैसा आप बचा लेंगे। सामने वाले को आपको ये इन्फॉर्म करना है कि कितना पैसा आप बचा लेंगे अगर आप ईओक्यू फॉलो करते हैं तो। चलिएगा, सबसे पहले तो ले रहा हूं एन्यूअल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले कॉलम में आ गया 27,000, 27,000। इसके बाद ले रहा हूं ऑर्डर साइज। इन द फर्स्ट कॉलम वी आर गोइंग टू कंसीडर ऑर्डर साइज 1440। सेकेंड कॉलम ऑर्डर साइज एट प्रेजेंट 3000 आई गेस। अरे फ्रेंड्स मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो बता दीजिएगा कितना है। चल मैं क्विकली, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना बन रहा है, फास्ट आंसर दीजिएगा। ₹7,000 / 18.75 आपका आंसर आया शायद। जी सर, वेरी गुड फ्रेंड्स, 18.75 आया। लेकिन हमें पता है यहां पे लिखना क्या है, से 19 ऑर्डर्स, और यहां पे आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएगा 9। जी हाँ, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कंसीडर करेंगे। सो 19 ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 240। नेक्स्ट केस में 9 ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 240 4560 आपका आंसर आ गया। टू वन सिक्स जीरो आपका आंसर आ गया। फिर एवरेज इन्वेंट्री आप लोगों ने कंसीडर किया। जी एवरेज इन्वेंट्री आपका बन रहा है कितना आ रहा है, 720 आया इन द फर्स्ट कॉलम, 1500 इन द सेकेंड कॉलम। इसके बाद आएगा आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट। यहां पे डिस्काउंट वगैरह नहीं है तो कैरिंग कॉस्ट चेंज होने का सवाल ही नहीं आता है। सो फ्रेंड्स आपका जो आंसर आ रहा है 720 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है ना 50 का 12.5%। ₹4,500 अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ रहा है।
नेक्स्ट सिचुएशन में 1500 एवरेज इन्वेंट्री है मल्टीप्लाइड बाय 6.25, नाइन थ्री सेवन फाइव। अरे बॉस, डिस्काउंट नहीं है तो परचेस प्राइस कंपेयर करने से कोई फायदा नहीं है। सो डायरेक्टली हम लोग टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट का कंसीडर करेंगे। सो कितना आ रहा है, 9060 आया क्या पहले केस में आंसर? फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस 4560, सो 9060 आपका आंसर है। एंड सेकेंड सिचुएशन में आपका आंसर कितना आ रहा है, लेट मी चेक दैट। 9375 प्लस 2160, 11535 इज माई आंसर। माइनस 9060 तो 2475, 2475 आई गेस। क्या सब लोगों का 2475 आ गया? 11535 इज करेक्ट आंसर, 9060 इज करेक्ट आंसर, 2475 का सेविंग होएगा। लेकिन 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 यहां पे आपको नोट लिखना पड़ेगा। सो 18.75 ऑर्डर नहीं आएगा, तो हमने राउंड अप करके 19 ऑर्डर प्लेस किया है। लेकिन आप अगर 18.75 बाय चांस अगर एग्जाम में लेते थे राउंड अप, अगर 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 की बात करो, हमें तो राउंड अप करना है, लेकिन अगर आप नहीं करते थे तो ऑब्वियसली 60 रुपए का डिफरेंस आता था, ठीक है। लेकिन हम लोग अच्छे से एजम्पशन लिख रहे हैं, नहीं भाई, कि 18.75 ऐसे फ्रैक्शन में ऑर्डर नहीं जाएगा, तो वी आर गोइंग टू गिव राउंड फिगर ऑर्डर, सो 19 ऑर्डर्स आएगा, राइट है। सो 2475 का सेविंग है, शायद आप लोगों ने ये प्रॉपरली लिखा रहेगा, 2475 रुपीज का आपका सेविंग्स आ रहा है। अरे हाँ यार, ना देखो सारे स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया, 2475, 2475, काफी सारे स्टूडेंट ने ये आंसर दे दिया, 2475 इज फाइनल आंसर। अच्छा, तो अभी फ्रीक्वेंसी क्या है, 360 दिन में हमें 19 ऑर्डर प्लेस करना है। जी हाँ, 360 दिन में, 360 दिन है हमारे पास और 19 ऑर्डर हमें अप्रोक्सीमेटली प्लेस करने हैं, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 18.95 डेज, 18.94736 ऐसे कुछ तो भी आ रहा है। तो आपने आंसर लिख दिया 18.95 डेज में आपने एक नया ऑर्डर प्लेस करना है। वॉज इट डिफिकल्ट फ्रेंड्स? अब वो रीऑर्डर लेवल जो हम लोग कल या फिर नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं, तो वो आराम से आपको 3 मार्क्स दे देगा। वॉज इट डिफिकल्ट? आप सोचिएगा, नवंबर 2020 जो आपका रिसेंट अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन था, इसमें 10 मार्क्स ऐसे आपको मिल गया। लेकिन बॉस, आप वो प्रॉपरली नोट लिखिएगा सब लोग कि ऑर्डर कैन नॉट बी इन अ फ्रैक्शन, हेंस इंस्टेड ऑफ 18.75 वी विल प्लेस 19 ऑर्डर, सो दैट फ्रेंड थोड़ा बहुत राउंडिंग अप का डिफरेंस भी रहेगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। पहले तो ये बताइए, वॉज इट डिफिकल्ट फ्रेंड? लेस देन 5-6 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एग्जाम का क्वेश्चन था और इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व किया है हमने, आपका इतना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल कवर कर लिया, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो आप आराम से मैनेज कर ही लेंगे एग्जाम में। वॉज इट डिफिकल्ट? इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन, 10 मार्क्स फ्रेंड्स, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था ना बॉस। अरे बॉस, पासिंग का 25%, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो पासिंग का 25% गारंटी हो गया, एग्जम्पशन का 16.67% का गारंटी हो गया अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया रहता था। सो फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन मैंने आज आपको होमवर्क दिया हुआ है, दो क्वेश्चन आपको आज होमवर्क दिया हुआ है, सो प्लीज वो आप सॉल्व करके आइएगा। सो 35 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं एक्सेप्ट दैट टू होमवर्क क्वेश्चन, जिसमें एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, एक रेगुलर क्वेश्चन है, देखते कितना लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, जो अभी एनक्रिप्टेड लेक्चर्स रहेंगे, उसमें से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरियस स्टॉक लेवल्स। So, thank you very much, friends. See you in the next encrypted lecture. Thank you, friends. और मैं आपको बता दूं, जो लोग रिजल्ट के बाद सोच रहे कि कोर्स परचेज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिजल्ट के बाद भी लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
अब काफी कम दिन रह चुके हैं रिजल्ट के लिए, काफी कम टाइम रह गया आपका रिजल्ट के लिए, ठीक है, तब तक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वो आप बाद में भी कैसे दो दो लेक्चर करके कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो आप नेक्स्ट टॉपिक से, मैं ये ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो एम्प्लॉय टॉपिक है, वो आपका रिजल्ट के बाद स्टार्ट करे, सो दैट आप लाइव स्ट्रीमिंग में हमारे साथ वापस से जुड़ सके। लाइव स्ट्रीमिंग कब से स्टार्ट होएगा? आपको ये जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरा इंफॉर्मेशन, डिटेल कैसे करना है, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। कब से स्टार्ट हो रहा है? इमीडिएटली, जल्द से जल्द वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़े रहिएगा, वहां पे मैं रिप्लाई कर दूंगा कब से वो आ रहा है, ठीक है। आठ बजे नहीं रहेगा, थोड़ा सा आठ से पहले रहेगा, क्योंकि मुझे मिनिमम 2.25 घंटे का लेक्चर चाहिए, मिनिमम 2.25 घंटे या 2.5 घंटे का लेक्चर चाहिए, कम से कम उतना लेक्चर तो मेरा रहेगा ही रहेगा। तो बेटर कि थोड़ा मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 10 बजे आपका लॉ का भी लाइव स्ट्रीमिंग है, काफी सारे स्टूडेंट लॉ के लाइव स्ट्रीमिंग में भी ज्वाइन किए हुए हैं, तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी होना चाहिए, तो मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट करूंगा। ओके, सो टाइमिंग वगैरह एग्जैक्ट क्या टाइमिंग पे स्टार्ट होएगा मैं वो आपको इन्फॉर्म करूंगा, पहले टेस्टिंग हम लोग कर लेंगे, उसके बाद एक्चुअल में वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो रीऑर्डर लेवल और आगे का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सब लोगों ने होमवर्क करेंगे आप लोग, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जो लोग रिजल्ट के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मैं नए टॉपिक से स्टार्ट करूंगा आफ्टर द रिजल्ट, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। ऋषि गुप्ता जी, कोई टेंशन नहीं है, आप मुझे वो इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आपका जो भी कुछ क्वेरी है व्हाट्सएप नंबर पे, मैं टेक्निकल टीम से आपको ये करवा दूंगा। डोंट वरी एट ऑल, वो हम लोग कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सत्यजीत जी, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ जी सर, और कुछ डाउट्स वगैरह रहेगा तो पूछिएगा। और एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको दिया है कि मेरी एनुअल डिमांड 50 है, लेकिन वो एक लेवल मुझे 100 कम से कम परचेस करने के लिए ले रहे, तो देखते कितने लोग सोच के आंसर देते हैं इसका। इज देर एनी अदर क्वेरी, इज देर एनी अदर डाउट? रहेगा तो जल्दी से पूछिएगा, अदरवाइज मैं साइन आउट करता हूं, क्योंकि लॉ के लेक्चर के लिए आपको लेट हो जाएगा। जी हाँ, एनी अदर क्वेरी फ्रेंड्स रिलेटेड टू दिस? जी, काफी सारे लेक्चर्स मैंने जितना कमिटमेंट किया था उससे ज्यादा ही लेक्चर मैंने लाइव में कंप्लीट किया हुआ है, राइट फ्रेंड्स? सो यू कैन चेक दैट, 80 to 85 लेक्चर्स मेरा रेगुलर कोर्स का रहेगा, उसमें से ऑलरेडी हम लोग 19-20 लेक्चर्स तो ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, तो जितना कमिटमेंट था उससे ज्यादा ही मैंने लाइव में लिया है, इससे ज्यादा अभी पॉसिबल नहीं होएगा, तो हम लोग अभी स्टार्ट करें इनक्रिप्टेड लेक्चर। और कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज आप मुझे बताइएगा फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल नंबर तो आपके पास है ही, वो ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा, मेरा पर्सनल नंबर वहां पे है ही, तो आप वहां पे आपके जो क्वेरी वो पोस्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग कोर्स परचेसेस, एनीथिंग यू हैव डाउट। और मैं आपको वापस एक बार बोलता हूं, भले ही आप पीडी या गूगल ड्राइव का लिंक ले लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है फ्रेंड्स, आपने ऑलरेडी परचेस किया है, काफी सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी परचेस करके रखा हुआ है, लेकिन आप वो एडिशनल ऑप्शन जो है लाइव स्ट्रीमिंग का, वो आप सिलेक्ट कीजिएगा और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और थोड़ा आपको मजा आएगा, ठीक है। जितना आप मैक्सिमम लाइव में कर पाएंगे उतना आप करेंगे, बेटर रहेगा आपके लिए, राइट फ्रेंड्स? सो आई होप कोई क्वेरी नहीं पोस्ट कर रहा है, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट एनक्रिप्टेड लेक्चर, टेक केयर ऑल।